हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 7 करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको टैक्स रेट्स पूरे बता दिए, एक बारी हम लोग सारी समरी एक जगह लिख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो राइट डाउन टैक्स रेट्स समरी। ठीक है बच्चों, टैक्स रेट समरी। अब टैक्स रेट समरी में एक तरफ तो लिख देते हैं पर्संस, ठीक है, टैक्स रेट की समरी बना रहा हूं आज, एक तरफ लिख देते हैं पर्संस, फिर इसके बाद यहां पर लिखते हैं टैक्स रेट्स न्यू रिजीम। बच्चों, न्यू रिजीम का सेक्शन है 115 BAC। बीएससी तो है बट आगे क्लॉज 2 लिख लेना, ठीक है। सेक्शन 115 बीएससी के मोर स्पेसिफिक सेक्शन अगर मैं वो पूरा लिखना पड़े तो क्लॉज है 2, क्योंकि क्लॉज 1 था ओल्ड, न्यू रिजीम पुराने वाला, मतलब पिछले बजट वाला, बजट 2022 वाला रिजीम। अभी जो हम बजट पढ़ रहे हैं, बजट 2023 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद टैक्स रेट मैं यहां लिखने वाला हूं ओल्ड रिजीम। तो बच्चों, आपको तो पता ही है कितना बड़ा चेंज आया बजट 2023 में ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में। यस और नो एवरीवन, ठीक है। ये टैक्स रेट्स का हो गया, ठीक है, दोनों में फर्क। और यहीं पर मैं आपको क्या कहते हैं, सरचार्ज, और जो सरचार्ज का मैं यहां लिख देता हूं, सरचार्ज। या एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। ये टैक्स रेट्स ओल्ड रिजीम कर दिया, इतनी जगह देके सरचार्ज के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये हो गई सरचार्ज, यहां पे हो गया न्यू रिजीम का सरचार्ज। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बच्चों कि क्या टैक्स रेट आए थे। तो मैं आपको ले चलता हूं टैक्स रेट की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने स्लैब रेट लिखा था न्यू रिजीम में, लिखा था जो डिफॉल्ट रिजीम है, मैंने आपको बताया था क्या है न्यू रिजीम में। 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, 3 से 6, 5% 6 से 9, 10% 9 से 12, 15, 12 से 15, 20 और अब 15, 30। तो आओ लिखते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल्स के लिए। किसके लिए लिख रहा हूं? इंडिविजुअल्स के लिए। बच्चों, इंडिविजुअल्स में अगर हम बात करें, सो हर तरह के इंडिविजुअल पे ये न्यू रिजीम का बेनिफिट मिल सकता है, हर तरह के इंडिविजुअल पे। ये देखिए, जो हम लोग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, सारे इंडिविजुअल्स हैं, HUF है, AOP, BOI और AJP है, सबके ऊपर ये रिजीम लगता है। तो अभी हम लोग इंडिविजुअल्स लिखते हैं यहां पर, और यहां पर मैं आपको इंडिविजुअल्स में, अच्छा, इंडिविजुअल HUF AOP BOI लिख ही देता हूं यहां पर, वैसे सारे ही आ जाएंगे, HUF AOP और BOI और AJP, सबके लिए एक ही टैक्स रेट है न्यू रिजीम के अंदर। और वो क्या है कि अप टू 3 लाख रुपीस टैक्स जीरो है, अगले 3 लाख रुपए पर 5% है, अगले 3 लाख रुपए पर 10% है, अगले 3 लाख रुपए पर 15% है, फिर 3 लाख रुपए पर 20% है, और फिर जो बैलेंस बच जाए उस पर 30% है। अब अगर मैं सरचार्ज की बात करूं बच्चों, तो सरचार्ज यहां पे बताया गया था न्यू रिजीम में, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो सरचार्ज कितना लगेगा, तो सरचार्ज लगेगा 10%। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। और अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती है तो सरचार्ज कितना लगेगा, 25%। तो ये 3 तरह के सरचार्ज हैं, जो कि मैक्सिमम सरचार्ज 25% है, ठीक है। जब मैं बात करता हूं ओल्ड रिजीम की, तो ओल्ड रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ने बस ये एक चेंज कर दिया कि ओल्ड रिजीम में, मतलब पहले से ही जो चल रहा था उसमें यह था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स
जिनकी एज बिलो 60 है उनके लिए ये स्लैब है, ठीक है। और बाकी इंडिविजुअल्स तो इसी में ही है, मतलब और कौन कौन से इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI और AJP और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स भी इसी में ही है। फॉर इंडिविजुअल्स, तो मैंने इंडिविजुअल्स के लिए यहां पर लिख दिया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एज बिलो 60 ईयर्स होनी चाहिए और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में कोई भी एज हो, याद आया, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में कोई भी एज हो, ठीक है। और इसके लिए क्या स्लैब निकाला था, पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स है जीरो, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5%, अगले 5 लाख रुपए पर 20% का टैक्स और अबव 10 लाख, 10 लाख से ऊपर जितना भी है बच्चों उस पर 30% का टैक्स। तो ये हमारा टैक्स रेट था, इंडिविजुअल्स में ये चेंज है, बाकी HUF, AOP, BOI, AJP बाकी सब सेम है। सरचार्ज की बात करें तो बच्चों सरचार्ज में गवर्नमेंट ने बोला क्या कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो सरचार्ज है 10%, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो 15, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती है तो 25 और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होती है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। तो ये था हमारा ओल्ड रिजीम। बच्चों ओल्ड रिजीम के अंदर, इसी के अंदर मैं जब बात करूंगा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में, उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की जिनकी एज 60 और अबव है बट बिलो 80 है, तो उनके लिए देखा जाए तो न्यू रिजीम तो सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सरचार्ज भी सेम ही है, बट ओल्ड रिजीम के अंदर चेंज है क्या कि पहले 3 लाख रुपए तक टैक्स जीरो है, अगले 2 लाख रुपए पर टैक्स कितना है 5%, अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स कितना है 20% और अबव 10 लाख रुपए पर टैक्स कितना है 30%। लो जी ये मैंने निकाल दिया, बाकी सरचार्ज तो सेम ही है। फिर उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जिनको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं बच्चों, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था, एज कितनी 80 और अबव, और इनके लिए भी जो हमारा ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब था न्यू रिजीम वो तो सेम ही रहेगा, वही 3 लाख वाला, और सरचार्ज भी सेम ही रहेगा, बट यहां पर आ जाएंगे चेंजेस। पहले 5 लाख रुपए पर टैक्स है जीरो, अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स है 20% और अबव 10 लाख पर है 30% प्लस सरचार्ज लगेगा, जो कि ओल्ड रिजीम के अंदर सरचार्ज ये वाला लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये तो हो गया रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की कहानी, HUF, AOP, BOI, AJP बाकी सब के लिए तो पहले ही बता चुका हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल्स को छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों फर्म्स की, पार्टनरशिप फर्म्स की। फर्म में चाहे ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो एक ही रेट है 30%, ठीक है 30%। सरचार्ज का रेट है 12% अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो, और यहां पर भी बेटा 30% और सरचार्ज का रेट वही सेम 12% अगर आपकी टोटल इनकम कितनी होती है 1 करोड़ से ज्यादा। बच्चों याद रखना न्यू रिजीम 115 BAC 2 जो है वो कंपनी फर्म्स वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, समझ गए? तो इसलिए वैसे भी मेरे को ये दोनों सेम ही लिखने पड़ेंगे आगे के जो जितने भी है फर्म के बाद, पर चलो ठीक है आप लोगों को याद रहेगा इसी बहाने। लोकल अथॉरिटी लिखते हैं, लोकल अथॉरिटी का भी सेम रेट है बेटे 30%, सरचार्ज भी सेम है 30% और ये भी सेम, ठीक है जी ये सेम ही रहेगा। अच्छा फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की बच्चों, डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी में भी जो रेट्स हैं वो एक तो वही है 25%। अब मैं बार बार न्यू रिजीम में ये बात लिख रहा हूँ बट न्यू रिजीम में लिखने का मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि न्यू रिजीम में कोई चेंज नहीं आया, न्यू रिजीम इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स HUF, AOP, BOI, AJP तो इनके ऊपर है भी नहीं, तो ये वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं, डोमेस्टिक कंपनी में मत ही लिखो, हम सीधा लिखते हैं ओल्ड रिजीम में, ठीक है। और डोमेस्टिक कंपनी में क्या था 30%, एक तो 30% रेट था और 25% केस तब हो सकता था
अगर आपकी टर्नओवर इन 2020-21 डज नॉट एक्सीड कितना 400 करोड़, अगर आपकी टोटल इनकम 400 करोड़ रुपए तक रहती है तो आपके ऊपर टैक्स का रेट कितना लगेगा बेटे 25%, वरना कितना लगेगा 30%। अच्छा सरचार्ज इनका थोड़ा सा चेंज है, 7% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो कितना सरचार्ज लगेगा बेटे 7%, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज कितना लगेगा 12%। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेस्टिक कंपनी। मैं बात करता हूं फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी में अगेन ये स्लैब, इसके ऊपर जो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम है वो तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा फॉरेन कंपनी में 40% का टैक्स लगाएंगे, और अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा बेटे 2%। और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 5%। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फॉरेन कंपनी। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी पर्संस खत्म नहीं हुए, अभी इसके बाद आ जाता है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए देखो, न्यू रिजीम की बात करें ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए और कंपनीज के लिए भी, डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी एक न्यू रिजीम के एक सेपरेट रिजीम है उनके लिए, बट 115 BSE 2 नहीं है, मतलब ये नहीं है जो हम लोग यहां पे लिख रहे थे। ठीक है, और आपको फोकस इंडिविजुअल्स पे करना है, कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे नहीं करना, बट स्टिल क्योंकि मटेरियल के अंदर दिया हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर बुक से। ठीक है, आओ इधर देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो टैक्स रेट है वो क्या है, कि पहले 10,000 रुपए पर 10%, अगले 10,000 रुपए पर 20%, और बैलेंस पर 30%, है ना। अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरचार्ज क्या कहता है, 7% लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, 12% लगेगा अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? तो भाई ये हम लोगों ने पढ़ लिया है इंडिविजुअल HOF AOPBO AJP, ये तो पहले ही पढ़ लिया था, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की दोनों, बाकी की दोनों कैटेगरीज लिख ली, फर्म लिख लिया, लोकल अथॉरिटी कंपनीज हो गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। मेरे हिसाब से सारे कवर हो गए हैं, तो बताओ आपको ये याद रहेगा टैक्स रेट्स की समरी। ठीक है जी, तो ये आपके काम आने वाला है। अब हम लिख लेते हैं क्लास नंबर 7, यहां पे लिख लेते हैं क्लास नंबर 7, और इसके अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बुक से। ठीक है, तो बुक देखते हैं बच्चों, बुक आपके पास होगी, अब आप बुक से देखेंगे कि टैक्स क्या है। टैक्स क्या है, दो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मैं बार बार उसी के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। टैक्सेबल इवेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, बताओ हाँ या ना। ठीक है जी, तो टैक्सेबल इवेंट हम कर चुके हैं। पावर टू लेवी टैक्सेस, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था आर्टिकल 265, जो कि ये कहता है कि टैक्स लगाने की पावर ना ही लगा सकते हैं ना ही टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 246 में, 3 तरह की लिस्ट पड़ी थी, ये बुक के अंदर आपको सब मिल जाएगा, येस और नो। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। हाँ, अब मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट बच्चों थोड़ा सा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये वो ईयर होता है जिस ईयर में बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आपको तो पता ही है कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है कैसे होता है, पहले लोकसभा से परमिशन मिलती है, मतलब सब लोग वोटिंग देते हैं, फिर राज्यसभा में बहस होती है, लड़ाई होने के बाद राज्यसभा में बिल पास कर दिया जाता है, फाइनली प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है और जाके बिल से एक्ट में कन्वर्जन होती है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी इसी तरीके से बना, और जिस ईयर में बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है वो ईयर का नाम उसके साथ जुड़ जाता है बच्चों। हालांकि वो बात और है कि इनकम टैक्स एक्ट आया कब से, 1962 से ये इफेक्टिव हुआ था बच्चों। ये बात मैंने पहले भी बताई थी शायद कि इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, 298 सेक्शन है और 14 स्केड्यूल्स है। कितने स्केड्यूल्स है, 14, कह रहा है 298 सेक्शंस, 14 स्केड्यूल्स हैं कानून के अंदर। स्केड्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, स्केड्यूल्स होते हैं किसी भी कानून के अंदर कोई फॉर्मेट, कोई लिस्ट, कोई स्टेटमेंट्स, है ना। तो जब कोई फॉर्मेट या लिस्ट होती है, कोई कोई कंटेंट होता है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, कोई भी सेक्शन, मतलब कोई भी सेक्शन हो, सेक्शन के अंदर कभी भी कोई लिस्ट नहीं डाली जाती,
न्यूमेरिकल लिस्ट नहीं डाली जाती। सो लिस्ट को जनरली कहां डाला जाता है बच्चों? स्केड्यूल्स में। फॉर्मेट, फॉर्मेट्स को कहां डाला जाता है? स्केड्यूल्स में। जैसे कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट, बच्चों कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल 3 में आता था। कहां आता था? कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल 3 में आता था बैलेंस शीट। सो सेक्शन जो होता है उस सेक्शन के अंदर सबसेक्शन होते हैं बच्चों, सबसेक्शन के अंदर क्लॉज होता है, क्लॉज के अंदर सब क्लॉज होता है। तो आप लोग जानते ही हैं सेक्शन के अंदर क्लॉज होता है, सबसेक्शन होते हैं, सबसेक्शन के अंदर क्लॉज होता है, क्लॉज के अंदर सब क्लॉजेस भी होते हैं। आपको पता है 298 सेक्शंस तो ठीक हैं, बट सबसेक्शन क्लॉज सब क्लॉज। अब नाउ सबसेक्शन और क्लॉज में बड़ी कंफ्यूजन है सर। सर हमें एक बात बताओ, कुछ टीचर्स को हम लोगों ने देखा है बोलते हुए कि सबसेक्शन बोलते हैं और क्लॉज भी बोलते हैं एक ही ब्रैकेट्स को। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 का मैं आपको बताने जा रहा हूं 1 पार्ट 2, इसको पार्ट्स भी बोल सकते हैं बच्चों। ये ब्रैकेट्स जो है ना उसको पार्ट्स भी बोल सकते हैं, ये पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा सर सेक्शन नंबर 7 बताओ, मैंने उसको बोला बेटे सेक्शन 7 के पार्ट 1 में बेटे ये लिखा है, सेक्शन 7 के बेटे पार्ट 2 में ये लिखा है, सेक्शन 7 के पार्ट 3 में बेटे ये लिखा हुआ है, और सेक्शन 7 के पार्ट 4 में बेटा ये लिखा है। अगर मैं उसको सारे पार्ट्स नहीं बताऊंगा तो सेक्शन 7 कंप्लीट कहां हुआ? क्या मेरी बात समझ रहे हो? सो बेसिकली सेक्शन 7 का पूरा कॉन्सेप्ट तभी उस बच्चे को समझ में आएगा जब मैं उसको सारे पार्ट्स बताऊंगा, और इसी रीजन से इन पार्ट्स को क्या बोलेंगे? सबसेक्शंस। क्या बोलेंगे? सबसेक्शंस। सो बेसिकली सबसेक्शंस वर्ड तब यूज किया जाता है इन ब्रैकेट्स को जब कभी ये जो सबसेक्शन, ये जो पार्ट्स हैं, ये एक दूसरे से क्या हो? लिंक्ड हो। लिंक्ड मतलब रिलेटेड हो, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अगर ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लिंक्ड होंगे, तो इनको हम सबसेक्शंस बोलेंगे, वरना इनको क्लॉज बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा बच्चों, टीचर्स बोलते हैं सेक्शन 2 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। पता है इसका रीजन क्या है? जनरली ज्यादा अगर कानून में सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशंस। अब सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशंस होती हैं उसके पार्ट्स 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? नहीं होते हैं। इसी वजह से इनको क्लॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? क्लॉज बोला जाता है। अब 2-1 के अंदर जो डेफिनेशन में एक डेफिनेशन बता रहा हूंगा उसका 2-2 से डेफिनेशन से कोई लिंक नहीं होगा, है ना? 2-3 में अलग डेफिनेशन होगी, उसका कोई लिंक नहीं होगा एक दूसरे के साथ। दैट इज व्हाई इनको बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो अनरिलेटेड अगर ये है पार्ट्स, अगर पार्ट्स अनरिलेटेड है तो ये क्या होंगे? क्लॉज। और अगर ये पार्ट्स रिलेटेड है तो ये क्या होंगे? सबसेक्शंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अभिमान? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कोई किस तरीके से बोलता है। आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि सेक्शन 2 में ही क्लॉज लगेगा। सेक्शन नंबर 10 इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन नंबर 10 के आगे भी क्लॉज होते हैं। ऐसा क्यों? इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्शन 10 है बच्चों इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जितनी भी इनकम्स टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं, जितनी भी इनकम्स टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं, मतलब उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो 10-1, 10-2, 10-3 बेसिकली ये वो एग्जेम्प्ट इनकम्स हैं जो गवर्नमेंट ने क्या पूरी लिस्ट बनाई हुई है और बोला कि इन चीजों पर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं दोस्तों, तो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्लॉज बोलते हैं। क्या मेरी बात समझे? एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता भाई। जैसे मैं 10-1 में बोलूं, 10-1 में लिखा है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है जी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। 10-2 में लिखा है शेयर ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म एग्जेम्प्ट होता है। अब इसका एग्रीकल्चर इनकम से कोई लेना देना नहीं है, हाँ या ना? तो मैंने एक एग्जेम्प्शन बताई है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, 10-2 में लिखा है, और 10-1 में लिखा है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो इनका आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो इसी वजह से हम इसको क्लॉजेस बोलेंगे। तो ये बात याद रखने हैं कि क्लॉजेस पूरे कानून के अंदर कहीं पर भी यूज किए जा सकते हैं। हाँ, अगर सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग 7-1, अब 7-1 के आगे कोई पार्ट है, तो जो 7-1 के आगे कोई पार्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इनको क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ऑब्वियसली उनको क्लॉज इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होगा, 7-1 के अंदर ही जो है वो उनको क्लॉज बोलेंगे। तो इस तरीके से होता है बच्चों क्लॉज और सबसेक्शंस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। When each part of the section is independent of each other and one is not related with other, such part are called as clause. Subsection on the other hand refers to such part of the section where each part is related with other and all subsection taken together completes the concept propounded in that section.
तभी वो सेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब आपने पूरा सेक्शन का पूरे सेक्शन के सारे पार्ट्स आपने पढ़ लिए हो, एंड दैट इज व्हाई उन पार्ट्स को हम सब सेक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एग्जांपल्स जो मैं आपको दे ही चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है सेक्शन में सब सेक्शन होते हैं सर, क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं, वो तो है। इसके अलावा सेक्शन के अंदर प्रोवाइजोज और एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। नाउ व्हाट आर प्रोवाइजोज? प्रोवाइजोज होती हैं बच्चों जब कोई सेक्शन के प्रोविजन में एक्सेप्शन हो। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कोई सेक्शन मैंने आपको बताया उसके प्रोविजंस में, उसके उस सेक्शंस में प्रोविजंस में जो भी सेक्शन के प्रोविजंस लिखे गए हैं उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब वो चीज किस चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होती है, तो उनको हम लोग प्रोवाइजो बोलते हैं बच्चों। सो प्रोवाइजो टू द सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज स्पेल्स आउट द एक्सेप्शंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन सबसेक्शन या क्लॉज। तो जो भी सेक्शन सबसेक्शन या क्लॉज चल रहा होगा उसी के एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? और उसके एक्सेप्शंस को हम लोग इसमें प्रोविजोस बोलते हैं। इनकम टैक्स लॉ में क्या, कोई भी लॉ में, पूरे पूरे देश भर में जो भी लॉ चलते हैं उन सब में एक्सेप्शंस को हम लोग प्रोविजो वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविजोस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो हो गया प्रोविजोस। नाउ व्हाट आर एक्सप्लेनेशंस? एक्सप्लेनेशंस क्या होती है? कह रहा है एक्सप्लेनेशंस टू सबसेक्शन सेक्शन सबसेक्शन और क्लॉज इज इट गिव्स क्लैरिफिकेशन। क्या देता है ये? क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन सबसेक्शन या फिर क्लॉज। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? सो याद रखना है आप लोगों को कि इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स लॉ के अंदर हम लोग सिर्फ सेक्शन सबसेक्शन ही नहीं होते, सेक्शन सबसेक्शन के अंदर क्लॉज भी होते हैं और सब क्लॉज भी होते हैं। इज दैट क्लियर? और उसके अलावा प्रोविजोस भी होते हैं और एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो प्रोविजोस और एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। प्रोविजो क्या होते हैं? एक्सेप्शन टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन सेक्शन या फिर क्लॉज। और एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं? क्लेरिफिकेशंस होती हैं रिलेटिंग टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन सबसेक्शन या फिर क्लॉज। अच्छा, बताएं आपको इनकम टैक्स एक्ट जो है हर साल चेंज होता है? यस, एवरी ईयर चेंज होता है। सो इनकम टैक्स एक्ट हर साल बजट आता है और बजट की वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। और जिस साल बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं उस साल दो बजट आते हैं। पता है आपको ये बात? चलो नई चीज सीखने को मिली। कभी भी याद रखना, जिस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन आते हैं उस साल दो बजट आते हैं, ठीक है? जैसे 2019 में हुआ था, 2019 में मोदी सरकार दोबारा आ गई, बट बजट दो ही आते हैं हमेशा। एक बजट तो पुरानी सरकार अनाउंस करती है, ठीक है, जिस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं। तो पिछले साल पहले फरवरी मंथ में बजट अनाउंस होता है एक, जो कि कब से बजट स्टार्ट हो जाता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वैसे तो सारे बजट पूरे साल के लिए होते हैं, बट अप्रैल से लेके ये वाला बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन वाला ईयर होता है उस साल का जो बजट होता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए बनता है। और फिर जून में इलेक्शन होते हैं बच्चों, आपको पता है जून में इलेक्शन होते हैं, जुलाई तक रिजल्ट आता है, अगस्त जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आते ही आपको नया बजट मिलता है अगस्त मंथ के अंदर, जो कि कब से चालू होता है? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च। तो यानी अगले 6 महीने के लिए एक बजट आता है। तो बेसिकली जिस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उस साल कितने बजट आते हैं? दो। और जो दो बजट्स के बीच में बजट अनाउंस किया जाता है ना उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। क्या बोलते हैं उसको? इंटरिम बजट। तो बजट 2000 अगर आप 19 की बात करो तो 2019 में क्या हुआ था? ये वाला बजट फेब में अनाउंस किया गया था, ठीक है, और फिर इसके बाद इस बजट की एप्लीकेबिलिटी हो गई थी 1/4/19 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक। और फिर जो अगस्त बजट, अगस्त मंथ के अंदर एक नया बजट आया था, जो न्यू सरकार, मतलब थी वो बीजेपी ही चाहे, बट फिर भी न्यू सरकार ने एक नया बजट अनाउंस किया, जो कि बजट को हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट। क्या बोलते हैं उसको? इंटरिम बजट। और वो इंटरिम बजट की एप्लीकेबिलिटी कब से होती है बच्चों? 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक, यानी 6 महीने के लिए ये वाला बजट और 6 महीने के लिए ये वाला बजट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज वेस्टेड विद सीबीडीटी। ये बात पता है आपको?
डायरेक्ट टैक्सेस का डिपार्टमेंट कौन देखता है? सीबीडीटी तो देखती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ही पूरी पावर रखता है डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। सर्कुलर निकालने हैं, अमेंडमेंट्स निकालनी है ना, सर्कुलर निकालने हैं, नोटिफिकेशंस निकालनी है, नोटिफिकेशंस। अच्छा आपको पता है बजट के अंदर अमेंडमेंट्स आती हैं, तो बजट के अंदर अमेंडमेंट्स आती है ना वो तो पूरे साल के लिए होती है। अगर मुझे ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज करना है इनकम टैक्स लॉ में, तो बच्चों वो किया जा सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू। इसके थ्रू नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिफिकेशंस आर नथिंग बट अमेंडमेंट्स। अगर कानून के अंदर आपको कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं तो वो अमेंडमेंट्स करने के लिए आपको क्या करने होंगे, नोटिफिकेशंस लेके आने होंगे। और ये नोटिफिकेशन लाने की पावर किसके पास है, सीबीडीटी। इसके बारे में मैंने बहुत पहले बताया था आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस के बाद। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि नोटिफिकेशंस इशू करता है अमेंडमेंट्स लेके आने के लिए। अच्छा सीबीडीटी की एक और पावर है बच्चों, सर्कुलर इशू करने के लिए। सर्कुलर क्या चीज है, अगर कोई कानून के अंदर कोई भी ऐसा लगता है कि कोई कानून के अंदर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई मिस क्लैरिफिकेशन है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए क्या निकाले जाते हैं, सर्कुलर्स निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, सर्कुलर्स। तो ये जो मैं आपको सेक्शन की बात कर रहा हूं, सीबीडीटी के पास क्या पावर है, जी हां पावर है सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन निकालने की। और वो पावर उनको मिलती है सेक्शन 119 से। कहां से मिलती है, सेक्शन 119 से। तो 119 सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें सीबीडीटी के पास पावर है नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू करने की। अच्छा ठीक है जी, और सीबीडीटी के पास पावर है एक और, क्या पावर है बच्चों, सेक्शन 295। ये सीबीडीटी के पास एक सेक्शन में पावर है जिसमें लिखा जाता है, ये देखो, सीबीडीटी हैव अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 295 ऑफ द एक्ट। तो बच्चों अगर ड्यूरिंग द ईयर सीबीडीटी को इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाने हैं, तो वो पावर्स टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ रूल्स बनाने हैं तो वो पावर उनको मिलती है सेक्शन नंबर 295 से। तो सीबीडीटी के पास पावर है टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स, और वो पावर इनको मिलती है सेक्शन नंबर 295 से। क्या मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? तो सीबीडीटी का पावर है टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। और रूल्स होते क्या है, अच्छा एक तो होता है सेक्शन, एक होता है सबसेक्शन। चलो ये बातें तो हमें पता है, ये तो हो गया लॉ। ठीक है, नाउ रूल्स क्या है, रूल्स भी कानून होते हैं, बट रूल्स बेसिकली ना इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड जो उसके प्रोसीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स को कैरी करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। क्या मेरी बात समझे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे फाइल करनी है बच्चों आईटीआर। क्या फाइल करनी है, आईटीआर। अब आईटीआर फाइल करने है, आईटीआर फाइल करने के लिए क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो रूल्स में लिखे जाते हैं। कहां लिखे जाते हैं, रूल्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, सो इनकम टैक्स के रूल्स हैं किसी चीज के बारे में, और इनकम टैक्स के रूल्स भी कानून ही होते हैं। ठीक है, और वो पावर किसके हाथ में है, सीबीडीटी के हाथ में। तो सीबीडीटी के हाथ में दो तरह की बहुत ही बेहतरीन पावर्स है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास दो तरह की बहुत बेहतरीन पावर्स है, एक नोटिफिकेशन इशू करने की, अमेंडमेंट्स बोलते हैं जिसको, और दूसरी सर्कुलर इशू करने की जिसको क्लेरिफिकेशंस बोलते हैं। मैं आपको सीबीडीटी की ये पावर्स दिखा सकता हूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको यह चीज दिखाता हूं। यहां पर ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है बच्चों, अगर आपको कभी आईटीआर भरनी पड़ेगी तो आपको यहीं आना होगा, और इस वेबसाइट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशंस का तरीका, कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस इशू करती है, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ देखना दिखाना चाहता हूं। जैसे वन ऑफ द नोटिफिकेशन मुझे 15 दिसंबर 2022 की दिख रही है, लिखा भी हुआ है रेफर नोटिफिकेशन, खोल लेते हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा, समझने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ देखना कि लिखा क्या हुआ है। ये देखो सीबीडीटी लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने बताया था ना सबसे टॉप पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होता है, उसके नीचे फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे सीबीडीटी होता है। तो ये सीबीडीटी है, तो सीबीडीटी जो बोर्ड है वो ये नोटिफिकेशन इशू कर रही है, कुछ अमेंडमेंट लेके आई है। अभी आपको ये नॉलेज नहीं है तो इसलिए बात डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही आपको यहीं पर सर्कुलर्स भी दिख जाएंगे बच्चों कुछ ना कुछ, और वो सर्कुलर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो 1 नवंबर 2022 को एक सर्कुलर आया हुआ है, आओ देखें जरा ये कैसा सर्कुलर है। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, देखो लिखा है ना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सीबीडीटी,
फिर नीचे लिखा है सीबीडीटी, तो सीबीडीटी ने एक रूल सर्कुलर निकाला हुआ है, और ऑब्वियसली किसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए सीबीडीटी सर्कुलर निकालता है। और बच्चों ये बात तो मैंने आपको बताई है, सीबीडीटी का पावर, ये वाली सेक्शन नंबर 119 में होती है, जहां पर गवर्नमेंट के सीबीडीटी का पावर है कि वो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस इशू कर सकता है, और मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और रूल्स बनाने हैं तो इनकम टैक्स से रिलेटेड रूल्स बहुत सारे हैं, और वो इनकम टैक्स से रिलेटेड रूल्स आपको सेक्शन 295 में सीबीडीटी को पावर दे दी जाती है कि आप रूल्स बना सकते हो, ठीक है जी। और रूल्स किस लिए होते हैं? प्रोसीजर्स के लिए होते हैं, प्रोसेस के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे आईटीआर का एक प्रोसीजर। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं, पता होना बहुत जरूरी है। तो सर्कुलर्स एक्ट एज अ गाइडेंस फॉर इनकम टैक्स ऑफिसर्स, असेसिंग ऑफिसर्स, ठीक है सर। अच्छा, सीबीडीटी का एक बार सेक्शन रिपीट कर दो, सेक्शन 119 और 295। 119 सीबीडीटी का पावर है टू इशू सर्कुलर नोटिफिकेशन, 295 सीबीडीटी का पावर है टू फ्रेम रूल्स। तो ये याद रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दैट कैन गिव जजमेंट ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। याद रखना, हम लोगों ने वो पढ़ा था ना कि सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाओगे? अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके साथ गलत किया है तो आप किसके पास सबसे पहले जाओगे? किसके पास सबसे पहले जाओगे? कमिश्नर अपील्स के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? कमिश्नर अपील्स के पास। अगर आप उनसे भी केस हार जाते हो तो आप जाते हो आईटेट के पास, याद है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हो हाईकोर्ट के पास। अब हाईकोर्ट के अंदर केस तभी जा सकता है जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। क्या हो? क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब बच्चों कि जब लगे कि लॉ की वजह से अगर कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, लॉ का कोई क्वेश्चन है और इस वजह से हाई कोर्ट में केस डाला जा रहा है कि जहां पर लॉ में कुछ मिसक्लेरिफिकेशंस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट से केस हार गए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आपकी, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। बट पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस तभी जाते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हो तो नहीं जा सकता। क्या मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स एक्ट के बाद फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट वही है बजट के बारे में जो मैं बता रहा था आपको, यस और नो। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, मैंने आपको बताया था, हर साल जो बिल जाते हैं वो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, पास करते हैं और फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है और वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। Amendments are made every year to the income tax law and other tax laws by the Finance Act. Finance Act के through ही हर tax law के अंदर changes आते हैं, अगर कुछ है तो। The first schedule to the Finance Act, Finance Act के क्या है? कुछ schedules हैं, क्या है? कुछ schedules हैं, और ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मान लो मैं बात कर रहा हूं Finance Act की, और ये Finance Act है जिसके अंदर कुछ schedule है। Schedules मैंने आपको बताए थे, जब कोई कोई फॉर्मेट होता है या कोई लिस्ट होती है तो स्केड्यूल्स में होते हैं। तो स्केड्यूल के अंदर उन्होंने एक लिस्ट बनाई। कैसी लिस्ट बनाई? ये देखो, स्केड्यूल्स के अंदर लिस्ट बनाई चार तरह के, फाइनेंस एक्ट के स्केड्यूल के वन के अंदर लिस्ट बनाई चार तरह के कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट्स के बारे में बात की है, और ये रेट्स ऑफ टैक्स इसके चार हिस्से कर दिए। एक कर दिया पार्ट वन, एक कर दिया पार्ट टू, एक कर दिया पार्ट थ्री, और एक कर दिया दोस्तों पार्ट नंबर फोर। तो फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चार तरह के पार्ट्स हैं जिसमें टैक्स रेट्स के बारे में बात की गई है। तो अगर कभी अमेंडमेंट आती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू तो वो किस पार्ट में किया जाता है चेंज, आओ मैं आपको दिखाता हूं। पार्ट वन इज रिलेटेड टू रेट्स ऑफ टैक्स। ये तो करंट रेट्स ऑफ टैक्स जो भी होते हैं, वो रेट्स ऑफ टैक्स जो भी एप्लीकेबल होते हैं, वो रेट्स ऑफ टैक्स इसके अंदर आते हैं फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। तो करंट असेसमेंट ईयर के लिए जो भी रेट्स ऑफ टैक्स होते हैं वो पार्ट वन में आते हैं। क्या मेरी बात समझे? अच्छा, पार्ट टू होता है बच्चों एक, और पार्ट टू के अंदर होते हैं टीडीएस के रेट्स। कौन से रेट्स होते हैं? टीडीएस के रेट्स। तो टीडीएस के रेट्स पार्ट टू के अंदर होते हैं बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद पार्ट थ्री आया, पार्ट थ्री गिव्स द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24।
Where SSC exercises the option to shift out to the default regime provided under section 115 BAC 1A. So basically, part 3 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला हम बात करते हैं TDS on salary की. बेटा TDS तो आप समझते ही हो ना, वही जहां पर गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे कह दिया कि भैया तुम पे विश्वास नहीं है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट कहता है तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है. आज के टाइम पर जब भी कोई पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा देती है, गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन डालती है देने वाली पार्टी को कि भाई जो पैसा देगा वो TDS काट के देगा. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS काटेगा और तब पैसा देगा. ठीक है, तो TDS के सारे रेट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हर साल आते ही रहते हैं और वो रेट्स में चेंजेस अगर आएंगे तो वो यहां दिखाए जाएंगे. करंट रेट्स स्लैब रेट्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो यहां पे आएंगे. पार्ट टू के अंदर TDS ऑन सैलरी की बात की गई है और कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स की बात की गई है. इसकी बात की गई है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स. बच्चों मैंने आपको बताया TDS तो देखो अगर आज मैं कहीं पढ़ाता हूं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं तो वो जो प्रोफेशनल फीस देते हैं उस पे मेरा TDS काटते हैं. अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरी सैलरी पे TDS कटता है. अगर मैं आज प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देता हूं तो मेरी पेमेंट्स पे TDS कटता है. अगर मैं रेंट कमाता हूं तो रेंट पे भी TDS कटता है. कमीशन कमाता हूं तो कमीशन पे भी TDS कटता है. बहुत सारी चीजों पे TDS कटता है. तो TDS तो हो गया ये बात. बट एक बात बताओ, जो बिजनेसमैन है, जो देने वाली पार्टी है, TDS काट तो रही है, क्या वो भी तो अपनी इनकम टैक्स देते होंगे? तो क्या आप लोग जब कुछ सामान उनसे खरीदते हो, हाँ, जब को भी मुकेश अंबानी की कंपनी से, रिलायंस से आप कोई सामान खरीदते हो या टाटा के क्रोमा स्टोर से आपने कोई सामान खरीदा, क्या आपने उनकी पेमेंट पे TDS काटा? नहीं काटा ना. तो उनकी क्रोमा की इनकम पर टैक्स कैसे जाता होगा? क्या मेरी बात समझे? वो टैक्स पे करते हैं बच्चों एडवांस टैक्स. कैसे पे करते हैं? एडवांस टैक्स. गवर्नमेंट ने एक ऑब्लिगेशन डाल दी है कंपनीज को और इनफैक्ट जो भी बिजनेसमैन है कि भाई अगर तुम्हारा 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है साल भर में तो तुम्हें एडवांस में ही टैक्स जमा कराना होगा. एस्टिमेशन बेसिस पे दे दो. सर एस्टिमेशन कैसे करें, वो तो गलत भी हो सकती है. गवर्नमेंट कह रहा है कोई बात नहीं, ज्यादा दे दोगे तो कोई दिक्कत है क्या, बाद में रिफंड ले लेना. कम दिया तो विद इंटरेस्ट चुकाना होगा. क्या मेरी बात समझे? सो TDS ऑन सैलरी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स. तो पार्ट टू थ्री कहता है TDS ऑन सैलरी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस करने होंगे तो गवर्नमेंट यहीं पर लेके आ रहे. पार्ट फोर में बात करता है गवर्नमेंट रूल्स फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम. रूल्स फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम. बच्चों ये बात मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है. बट रूल्स बनाने बहुत जरूरी थे कि एग्रीकल्चर इनकम वो कैसे कंप्यूट की जाएगी, तो उसके लिए रूल्स पार्ट फोर में बनाए गए. इसमें कुछ चेंजेस किए जाए तो वो यहीं पर होंगे अगर कुछ भी चेंजेस किए जाए तो. तो बच्चों याद रखने चार तरह के पार्ट्स फाइनेंस एक्ट के अंदर. टैक्स रेट्स में चेंजेस कहां होते हैं? शेड्यूल वन के अंदर. फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल वन के अंदर चार पार्ट्स होते हैं. पार्ट वन टैक्स रेट्स, पार्ट टू TDS रेट्स, पार्ट थ्री TDS ऑन सैलरी एंड एडवांस टैक्स, पार्ट फोर रूल्स फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम. ये देखो क्या मेरी बात समझे एवरीवन? सो ये सारे वो पार्ट्स हैं जो आपको याद भी करने हैं क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर पूछा जाता है. दोस्तों टाइम पास नहीं करना, समझ गए? तो भैया आपको इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको छोटे छोटे फाइनेंस एक्ट के बारे में भी नॉलेज चाहिए होगी क्योंकि फाइनेंस एक्ट के प्रोविजन जो भी चेंजेस आते हैं वो आपके एग्जाम्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं ना? और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जुड़ जाते हैं. यस और नो एवरीवन? अब इसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं. तो पहले तो फिर से एक मिनट पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर एक बार और फिर से रिवाइज करते हैं मेरे साथ साथ. पार्ट वन क्या है? टैक्स रेट्स. पार्ट टू क्या है? TDS रेट्स. पार्ट थ्री क्या है? TDS ऑन सैलरी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स. पार्ट फोर क्या है? रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जेम्प्ट होती है वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में सीखा. ओके, आगे आ जाओ. टैक्स रेट अंडर फाइनेंस एक्ट 2023. तो लो जी टैक्स रेट के बारे में बात हो रही है. अब सरचार्ज क्या है? सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था. ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स तो एक्स्ट्रा टैक्स है. सरचार्ज इज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स. Under the normal provisions of the Act, surcharge is presently being levied beyond a particular threshold of income for different persons. Also, higher rate of surcharge are prescribed for higher threshold of incomes. तो जैसे जैसे आप अमीर होते जाओगे वैसे वैसे surcharge बढ़ता जाएगा. Yes or no? फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. Old regime में slab rate के लिए surcharge क्या है? 10. Old regime में अब surcharge की बात हो ही रही है तो revise भी कर लेते हैं ना. Surcharge की बात कर ही रहे हैं तो revise भी कर लेते हैं. Old regime में
सरचार्ज का रेट क्या है अगर हम बात करें किसकी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी की, इसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो चाहे वो न्यू रिजीम हो, दोनों में ही इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, बच्चों न्यू रिजीम हो या ओल्ड रिजीम हो, सरचार्ज में थोड़ा सा चेंज आया है। न्यू रिजीम में गवर्नमेंट ने बोला सरचार्ज मैक्सिमम लगने वाला है 10, 15 और 25, और यहां पर लगता है 10, 15, 25 और 37। यस और नो? 10% अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 15% अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 25% अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो ये तो हो गए कॉमन। इसके बाद न्यू रिजीम नहीं लगता है। 37% अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा, ये ओल्ड रिजीम में है, न्यू रिजीम में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपको पता चल गया। ठीक है जी, सरचार्ज और भी कहीं लगता है, सबको लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लगता है, कंपनीज पे लगता है, फर्म्स पे लगता है, सबको पता है ये बात। ठीक है जी, सर मार्जिनल रिलीफ क्या चीज है? अरे मार्जिनल रिलीफ के बारे में तो हम लोग कर चुके हैं, कैलकुलेशन तो सीख चुके हैं, थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। द पर्पस ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज टू एंश्योर दैट द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ड्यू टू इंक्रीज इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम। मतलब गवर्नमेंट कह रहा है मार्जिनल रिलीफ उन लोगों को देते हैं जब आपका टैक्स पेबल इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल इनकम, टोटल इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स पेबल बढ़ गया है और बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये इतना ज्यादा बढ़ गया है ना बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट, बट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम। टोटल इनकम से ज्यादा इंक्रीज इन टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए गवर्नमेंट जो टैक्स जो इंक्रीज हुआ है, टैक्स जो इंक्रीज हुआ है, ये जो टैक्स इंक्रीज हुआ है, मैं आपको यहां लिखकर दिखाता हूं, इंक्रीज इन टैक्स हुआ है इतना और इंक्रीज इन इनकम हुई है इतनी, तो गवर्नमेंट कहता है ये जो गैप है ना, ये गैप है जो इतने वाला, ये जो गैप है ना, इस गैप को दिया जाए मार्जिनल रिलीफ। इतना मार्जिनल रिलीफ देंगे तो इसका जितना इनकम है उतना ही क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। तो गवर्नमेंट कहता है कि बस मैक्सिमम इतना देना, बट ये तब लगेगा जब आपकी एक सर्टन लिमिट से इनकम ज्यादा होगी। याद आया ना सब कुछ? चलो, तो ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं भाई, ये सब बातें हम लोग पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और इनकम टैक्स लगता है बच्चों, पता ही है आपको, हेल्थ और एजुकेशन पर्पस के लिए, और गवर्नमेंट कितना लेती है, ये 4% लेती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स रेट्स एप्लीकेबल, स्लैब रेट्स और फ्लैट रेट, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, और न्यू रिजीम इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी पर लगता है। ठीक है, 115 बीएससी सेक्शन के अंदर, और अब वो डिफॉल्ट हो गया है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गया है। ये है वो स्लैब रेट जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज ये है आपके सामने डिफॉल्ट रिजीम में, 50 लाख से ज्यादा हो तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 25, 15, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25। इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, ये जो चीज है ना, ये अभी आपको समझ में आने वाली भी नहीं, तो इसलिए इसके बारे में बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आगे वो आएगा, कैपिटल गेन चैप्टर में आएगा, चिंता ना करो, सब कुछ आएगा। मार्जिनल रिलीफ में यहां पर भी यही लिखी हुई है कि मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है, तो मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल फ्रॉम सरचार्ज इन केस व्हेन नेट इनकम एक्सीड्स 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, द अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख। कह रहा है इनकम टैक्स जो 50 लाख पे लग रहा है और जो इनकम टैक्स 50 लाख से ज्यादा वाली इनकम पे लग रहा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस इन इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली आप लोगों ने मार्जिनल रिलीफ पढ़ लिया था, अब सिर्फ एक बार ही उसकी थ्योरी हो रही है डिस्कस, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। 50 लाख पे भी मार्जिनल रिलीफ मिलता है, 1 करोड़ वाले पे भी मिलता है और 2 करोड़ वाले पे भी मिलता है। मैं न्यू रिजीम की बात कर रहा हूं, ओल्ड रिजीम में तो 5 करोड़ वाले पे भी मिलता है। रिबेट की बात करें तो रिबेट के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं, 7 लाख रुपए तक की इनकम पे 25,000 रुपए की रिबेट मिलती है। यस और नो एवरीवन, क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, सो फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25 अ मैक्सिमम रिबेट ऑफ 25,000 इज अलाउड अंडर सेक्शन 87A टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। ये रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है हु इज ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स स्कीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी 1A इज अप टू ₹7 लाख। फर्दर इफ द टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑप्टिंग सेक्शन 115 बीएससी 1A, बच्चों उसको 1A, अच्छा ठीक है 1A सेक्शन है इसका, ठीक है 1A, ये सेक्शन याद रखना, मैंने शायद 2 लिखवा दिया था आपको, उसको 1A कर देना प्लीज, 1A।
सो फर्दर इफ टोटल इनकम 2 भी है बट 2 के अंदर कुछ और प्रोविजंस हैं, 1A के अंदर बेसिकली ये ऑप्शन की बात है, तो हमें तो ऑप्शन की बात समझनी थी। इफ टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, सुनना ध्यान से, ऑप्टिंग सेक्शन 115 बीएससी 1A एक्सीड 7 लाख, अगर मेरी इनकम न्यू रिजीम का 7 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है और टैक्स पेबल ऑन सच इनकम एक्सीड्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड 7 लाख, देन ही कैन क्लेम अ रिबेट विद मार्जिनल रिलीफ टू द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम एंड द अमाउंट बाय विच इट एक्सीड 7 लाख। क्या समझे? यह चीज मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। न्यू रिजीम के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने एक नई चीज बोली। क्या बोली? कि भाई अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी इनकम टोटल इनकम 7,10,000 रुपए है, कितनी है 7,10,000 रुपए है। अब 7,10,000 रुपए है तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको पता है कि 7,10,000 रुपए पर टैक्स लगेगा, 7,10,000 रुपए पे टैक्स लगेगा, है कि नहीं? अब 7,10,000 रुपए पे टैक्स कैसे लगेगा? तो अब मैं आपको टोटल इनकम 7,10,000 रुपए पर टैक्स, अगर मेरे को टोटल इनकम मेरी 7,10,000 है तो मुझे टैक्स बताना है कितना होगा, तो मैं आपको ये वाला स्कीम बताने वाला हूं। ठीक है, अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते थे कि 7 लाख रुपए तक है तो टैक्स जीरो है, ठीक है, वो तो हमें पता चल गया था कैसे, वो मैंने आपको करके दिखाया था ना उस टाइम पे रिबेट में। अब यहां पर गवर्नमेंट ने इसमें भी रिबेट दी है, अब कैसे दी है वो आपको समझाना है। ये देखो, इसको वैसे ही बना दूं जैसे मैं पहले बनाता था, 7 लाख रुपए पर और फिर एक तरफ 7,10,000, ठीक है, 7 लाख से 7,10,000 में डिफरेंस कितना आया इनकम का 10,000, 7 लाख पे तो टैक्स है जीरो, 7,10,000 पे निकाला पहले 3 लाख रुपए टैक्स हो गया जीरो, अगले 3 लाख रुपए टैक्स हो गया 5% 15,000, फिर 1,10,000 रुपए नेक्स्ट 1,10,000 रुपए इसके ऊपर हो गया 10% यानी 11,000। अब बताओ आपको टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 26,000 रुपए का देना पड़ रहा है, जीरो से 26,000, तो कितने का डिफरेंस 26,000 का, हाँ या ना? अब गवर्नमेंट कहता है हम आपको मार्जिन रिलीफ, जैसे मार्जिन रिलीफ पढ़ते थे ना वैसे ही यहां पर अब हम आपको रिबेट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, हम यहां पर आपको रिबेट देंगे इस चीज की। कितने रुपए की रिबेट मिलेगी? 26,000 रुपए का डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, जस्ट लाइक मार्जिनल रिलीफ, ये मार्जिनल रिलीफ ही है समझ लो, या रिबेट कह लो, एक ही बात है, क्योंकि रिलीफ है ना, बेनिफिट दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया, तो 10,000 रुपए की इनकम बढ़ी है, 26,000 का ज्यादा टैक्स बन गया, तो भाई 16,000 रुपए का गवर्नमेंट हमें क्या दे देगी, रिलीफ दे देगी, तो ये माइनस कर देंगे, रिबेट कर लो यहां पर, रिबेट लिख दो कोई बात नहीं, और 10,000 रुपए का आपका टैक्स बनेगा, प्लस आपको क्या आगे देना होगा सेस जो कि है 4%, 400 रुपए, तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा 10,400। क्या मेरी बात समझ में आई है अभिमान? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमें टैक्स निकालना होगा 7 लाख के आसपास अगर इनकम है, क्योंकि जैसे ही मैं 7 लाख से और दूर होता जाऊंगा तो एक टाइम पे आके ये डिफरेंस इन टैक्स, डिफरेंस इन इनकम से दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, यस और नो? और दोनों अगर बराबर हो गए या डिफरेंस इन टैक्स कम हो गया डिफरेंस इन इनकम से, तो ऐसे केस में रिबेट ये वाला नहीं मिलेगा। आओ मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लेते हैं मेरी टोटल इनकम 7,70,000 रुपए है, ठीक है, अब बताओ जरा अगर मेरी इनकम 7 लाख होती तो मेरा टैक्स कितना होता, जीरो, 7,70,000 रुपए है तो मेरे को टैक्स कितना देना है, पहले 3 लाख रुपए पर जीरो, अगले 3 लाख रुपए पर 5% यानी 15,000, और फिर बैलेंस जो बच गया 1,70,000 रुपए उस पर 10% 17,000, तो बने भैया टोटल टैक्स बना 32,000 रुपए, और इनकम में कितना इजाफा आ गया, इनकम बढ़ी है 70,000 रुपए से और आपका टैक्स बढ़ा है 32,000 रुपए से, जेन्युइनली ठीक तो है, गलत क्या हुआ आपके साथ? कोई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत, अबे क्या गलत हो रहा है, 7 लाख से 7,70,000 तेरी इनकम हुई, 70,000 ही तो बढ़ी, और 70,000 बढ़ने पर तेरे को 32,000 का टैक्स देना, तेरे साथ गलत क्या हो रहा है? गलत तो तब होता जब डिफरेंस इन टैक्स ज्यादा आ रहा होता डिफरेंस इन इनकम से, और वो नहीं है, तो मार्जिनल रिलीफ जो रिबेट की बात कर रहे हैं हम लोग, वो नहीं मिलेगा इस वाली सिचुएशन में, सीधा सीधा इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, सेस ऐड करने वाले हैं 4%, और मेरा टैक्स आ जाएगा 1,280 ऐड कर दूंगा, टोटल आ जाएगा 33,280। क्या मेरी बात समझ में आई, सबके दिमाग में आई बात? चलो वेरी गुड। तो आज की क्लास में मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये वाला चीज भी बता दूं, रिबेट वाली बात, और ऑब्वियसली मैंने आपको ये बात बताई थी, कंडीशंस हैं कुछ ये न्यू रिजीम की,
आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन आपको नहीं मिलती, बट आपको ये एग्जेम्पशन डिडक्शन अभी पता नहीं है 10-5, 10-13 ने, ये सब चीजें हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं बेटे सैलरी चैप्टर में, कहां पढ़ने वाले हैं सैलरी में, ये 10-32 हम पढ़ने वाले हैं अदर सॉरी क्लबिंग में, क्लबिंग एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, 10AA हम लोग अलग पढ़ेंगे, एग्जेम्पशंस का चैप्टर है अलग, 16 वाली सैलरी के अंदर आएंगी डिडक्शंस, 24B की बात करें बच्चों तो 24B ये मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में, ये PGBP में, कहां मिलेगा PGBP में। तो बेटा बेसिकली अभी जो डिडक्शन एग्जेम्पशंस की बात हो रही है ये सारे सेक्शन कहीं आगे जाके पढ़ने, और जब तक वो नहीं पढ़े होंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना है, कोई जोर नहीं देना, ठीक है, रीडिंग करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लॉसेस जो है वो अलाउड नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, आपको अभी पता ही नहीं है सेट ऑफ होता क्या है, तो इसलिए मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ये बातें हम लोग तब करेंगे जब वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी आपको पता ही नहीं है तो आगे बात करने की कोई फायदा ही नहीं है। तो एग्जेम्पशंस क्या होती है, तो बेसिकली न्यू रिजीम की जो कंडीशन है ना, शर्तें, वो हमें दोबारा पढ़नी पड़ेगी, अभी नहीं पढ़ रहे हम, दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस वगैरह को छोड़ देते हैं न्यू रिजीम की, क्योंकि जब तक आपने वो सारे पॉइंट्स नहीं पढ़े होंगे आपको न्यू रिजीम की ये कंडीशंस नहीं पता चलेंगे, तो न्यू रिजीम की ये कंडीशंस का अभी कोई फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन, यहां तक आप छोड़ दो, अब आप वापस आ जाओ ओल्ड रिजीम में, और ओल्ड रिजीम के हम लोग स्लैब रेट्स कर चुके हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज बिलो 60 इयर्स, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, AOPBOI, AJP, है ना, 2.5 लाख वाला स्लैब, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों 3 लाख वाला स्लैब सीनियर सिटीजन के लिए, फिर 5 लाख वाला स्लैब 80 प्लस वालों के लिए, रिबेट पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों 87A में 12,500 5 लाख रुपए तक की इनकम पे, सरचार्ज पढ़ा था ये वाला, है ना, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, और ये कैपिटल गेन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, तो बहुत सारा कंटेंट आने वाले चैप्टर से कनेक्टेड, तो यू आपको ना बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है इस चीज की कि ये आगे कैसे कवर होगा, तो आगे जब मैं उस चैप्टर पे पहुंचूंगा ना तो मैं आपको रिलेट कराऊंगा, बच्चों याद है ये सेक्शन के बारे में हम लोगों ने वहां रीड किया था बट पढ़ा नहीं था, मैं एक बार इंट्रोडक्शन चैप्टर पे दोबारा लेके आता हूं, तो तब मैं आपको ऐसे लेके आऊंगा, डोंट वरी। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, आज अगली क्लास के अंदर मैं आपको इस कंटेंट से स्टार्ट कराऊंगा आगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मैं एक क्लेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।